स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है तो उसके विषय में आज मतलब के विचार करते हैं, ठीक है, मतलब डिस्कस करते हैं। ये जो प्रॉब्लम आपको दिया है, बोल रहा है प्रॉब्लम में कि इसकी जो सांतत है, कंटिन्यूटी है, उसके विषय में क्या करना है आपको विचार करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो आपको पॉइंट है जीरो है, ठीक है, जीरो है, वन है, ठीक है, लेस देन वन है, ठीक है, लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है और ग्रेटर देन वन है, ठीक है। तो इसके हम किस पर देखेंगे, पहले जीरो और वन पर हम देख लेते हैं, ये आपका जो फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम किस पॉइंट पे देख रहे हैं, एट एक्स इक्वल जीरो पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल जीरो पर देखने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स जीरो माइनस एच लिखना है, तो जीरो माइनस एच लिख देंगे, ठीक है, एज एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम जहाँ आपका एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, ठीक है। तो यदि हम जीरो में से एच घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा जीरो से क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो हमें देखना ये है कि कहाँ एक्स का वैल्यू जीरो से कम है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो एक्स है, एक्स का वैल्यू जीरो से क्या कम है, तो जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, ठीक है। तो इसी में रखेंगे दो, और जहाँ एक्स है वहाँ जीरो माइनस एच, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एच एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो जहाँ एच है वहाँ क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका क्या रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट रहा। अब हम क्या देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एच एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, ठीक है, एज एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ एक्स है वहाँ जीरो प्लस एच रखना है। तो हमें देखना ये है कि जीरो में जब हम एच जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू है जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कहाँ आपका जो वैल्यू है जीरो से बड़ा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स का वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, जीरो। तो इसका जो वैल्यू है क्या है, जीरो। मतलब लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड लिमिट है वो भी क्या मिला हमें, जीरो, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू क्या है, एच एक्स टेंड्स टू सॉरी लिमिट ऑफ द, हम इसके लिए क्या निकाल रहे हैं, हम लिमिट निकाल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं। तो जहाँ एफ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम देख रहे हैं जहाँ कहाँ एक्स जीरो के बराबर है, तो यहाँ जीरो, एक्स एक्स जीरो के बराबर है, तो यहाँ क्या मिला, जीरो। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स इक्वल जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है, सेम है। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सेम है, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयर फॉर द फंक्शन एट एक्स इक्वल जीरो, ठीक है ना, इस क्या है, कंटिन्यूअस। या तो आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देयर फॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल जीरो पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अब हम एक्स इक्वल देखते हैं कि आपका जो लिमिट है एट एक्स इक्वल वन पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन ई एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू वन माइनस, ठीक है, एच एक्स टेंड्स टू क्या है, वन माइनस है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपका लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे, वन माइनस एच एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ वन माइनस एच।
अब देखिए, यदि हम एक में से यदि h को घटाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक से कम मिलेगा। ठीक है, जब हम एक में से h को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा एक से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू है एक से कम कौन है, देखिए x का वैल्यू एक से क्या है, कम है, तो हम क्या वैल्यू लेंगे, यहाँ लेंगे जीरो। ठीक है, तो x का वैल्यू एक से क्या कम है तो यहाँ लेंगे जीरो, तो आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, ये आपका क्या रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट रहा। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू वन प्लस, एज एक्स टेंस टू वन प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ, तो जहाँ वन माइनस है वहाँ वन प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप सब आई होप जानते होंगे, एज एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ जो वैल्यू है आपका, वन में जब एच जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, एक से क्या है, अधिक है। तो जब वैल्यू एक्स का वैल्यू एक से अधिक है, एक्स का वैल्यू जब एक से क्या है, अधिक है, तो आपको क्या मिल रहा है, फोर एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एच टेंस टू जीरो फोर, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, हम वन प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ वन प्लस एच है। ठीक है, जहाँ एच है वहाँ हम जीरो रख देते हैं, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, क्या मिलेगा, एक केवल बचेगा, चार का आप एक गुणा करिए तो क्या मिलेगा, चार, मतलब। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या सेम नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन, देयरफॉर मतलब इसलिए ये जो आपका फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल वन। ठीक है, तो एक्स इक्वल वन पर क्या है, आपका जो वैल्यू जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आई होप आप सब समझते होंगे। ठीक है, तो हम किस पर देखते हैं, एट एक्स इक्वल सी मान लेते हैं, और ये जो सी है वो क्या है, जीरो से छोटा है। ठीक है, इस पर हम क्या निकालना चाहते हैं, कंटिन्यूअस निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी। ठीक है, और सी का जो वैल्यू है वो क्या, जीरो से छोटा है। तो इसके लिए यदि हम सी का वैल्यू जीरो से छोटा है तो आपको क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो से क्या छोटा है, तो हम क्या लेंगे, दो एक्स लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, टू सी। ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ आपको क्या रखना, सी। तो लिमिट आपको टू सी मिला। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ सी रखेंगे, तो यहाँ पर भी जो सी है, सी का वैल्यू जीरो से क्या छोटा है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या मिलेगा, टू सी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या सेम है। ठीक है, इसलिए क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। ठीक है, लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, सेम है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन है ये मतलब लेस देन जीरो पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स, जो एट एक्स जो है वो लाइज बिटवीन किस पर है, मान लेते हैं आपका जो जीरो लेस देन आर इक्वल टू एक्स इक्वल, मान लो कोई पॉइंट सी है। ठीक है, वो क्या है, जीरो से वन के बीच लाई करता है या तो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके लिए क्या, इसके लिए वही लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका सी है वन से छोटा है और जीरो से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ा है, वो एक से क्या है, छोटा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ जीरो। ये क्या मिल गया आपका, लिमिट यहाँ जीरो मिल गया। यदि वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो एक्स इक्वल सी, सी किसके बीच लाई करता है, जीरो और वन के बीच लाई करता है, या तो वो इनके इक्वल है, तो यहाँ पर भी आपको जो वैल्यू है डायरेक्ट रखेंगे तो क्या मिला, यहाँ जीरो।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x इक्वल सी पर भी ये क्या करता है, आपका लाई करता है। ठीक है, तो चलिए और कुछ जो पॉइंट्स है आपके, अब किसमें देख लेते हैं, एट x इक्वल सी ग्रेटर देन वन। ठीक है, यहाँ जो x इक्वल सी है वो क्या ग्रेटर देन वन है। तो यहाँ पर यदि हम लिमिट की बात करें तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पर जो x इक्वल जो c है उस c का वैल्यू क्या है, एक से बड़ा है। जब x का वैल्यू एक से क्या है बड़ा है तो हम क्या लेंगे, 4x लेंगे। ठीक है, और जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, c रख देंगे, तो 4c मिल गया। ठीक है, तो या फिर है लिमिट। अब यदि वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, c रख देंगे। तो यदि और c क्या है, एक से बड़ा है, तो यदि x का वैल्यू एक से बड़ा है तो आप क्या लेंगे, 4c। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो x इक्वल सी ग्रेटर देन वन पर भी, और जो या c लाई करता है जीरो और वन के बीच, इसके बीच भी क्या है आपके जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। ठीक है, केवल एक पॉइंट पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और सभी पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस मतलब देयरफॉर तो आप देख क्या रहे हैं कि इन दोनों पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर यदि लिखना चाहें आप तो यहाँ इधर लिख देंगे सिंस, इसके लिए अलग से लिख लेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन सी। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या है, जो मैं सॉरी ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है। देयर फॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस एट जीरो लाइज बिटवीन सॉरी एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, तो एक्स इक्वल सी लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, इस पर क्या करता है, लाई करता है, मतलब एक्स लाई करता है जीरो और वन के बीच। और यहाँ पर भी इसी सिमिलरली इसके लिए भी लिख देंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए भी यदि लिखना चाहे तो लिख देंगे देयर फॉर। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन, तो देयरफॉर द फंक्शन ठीक है क्या इज कंटिन्यूअस है कहाँ, एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन वन पर आपका जो फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो केवल एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ आप लिखना चाहे तो लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन। ठीक है ना, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इक्वल वन। ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इक्वल वन। ठीक है, तो आपका जो किस पर कंटिन्यूअस है यदि बोलना चाहें तो आपका जो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट आर माइनस वन, मतलब जो आपके रियल नंबर है उसमें से वन को हम क्या कर दे, घटा दे, तो उस पर आपका जो फंक्शन है क्या कंटिन्यूअस है। तो आई होप आप सबको